जहां पूरे देश में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो भाई अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भी तैयारियां लगातार जोरों पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से मैदान को सजाया जा रहा है, तिरंगा से पूरे मैदान को सजाया गया है, पंडाल लगाया गया है। बात करें अगर स्वतंत्रता दिवस का जो बोर्ड आपको बता दूँ दिख रहा है, जो वो वहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत झंडारोहण करेंगे कल। और फिलहाल जिस तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई, पंडाल अलग अलग लगाए, वीवीआईपी पंडाल जहाँ पर वीवीआईपी लोग रहेंगे शामिल रहेंगे फिलहाल, और परेड ग्राउंड में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और परेड ग्राउंड में जो परेडें निकलेंगी उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर देखा जाए काफ़ी चाक चौबंद फिलहाल कर दिए गए। और पुलिस सुरक्षा की अगर बात की जाए, पुलिस सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी खासे चाक चौबंद करे गए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इस बार पूरे ग्राउंड में चारों तरफ अगर देखा जाए तो बैरिकेडिंग से ग्राउंड को बंद किया गया है फिलहाल, और ई पास की भी खास व्यवस्था इस बार ग्राउंड में कर दी गई है फिलहाल। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार जो बैठने के लिए खास व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो दर्शकों के लिए बैठने के लिए खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई, जिसमें दर्शक आके परेड में जिस तरीके से 15 अगस्त की परेड को भी देख सकेंगे और भारतीय संस्कृति के प्रोग्राम जो उत्तराखंड के संस्कृति के प्रोग्राम होंगे वो भी खास तौर पर देख सकेंगे। फिलहाल सुरक्षाओं को लेकर अगर बात की जाए, सुरक्षाओं को लेकर पुलिसकर्मी लगातार पूरे देहरादून में तैनात होंगे और सुरक्षाओं की दृष्टि के चलते लगातार पूरी कुछ सीमाओं को सीज भी कर दिया गया है फिलहाल। और अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर जिस तरीके से मुआयनाकारी करते नजर भी आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, R9 TV देहरादून।